वैसो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही लंबा सा मेल लिखा गया और उसमें बोला गया एक इंटरेस्टिंग जो पॉइंट मुझे, जो कि आप लोगों के साथ में भी शेयर करना है। उसमें बोला गया कि सर आज की डेट में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता हूँ। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट रहने वाली बात है? तो उसमें ये लिखा हुआ था कि सर आज की डेट में घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता है, कोई भी मुझे कुछ भी बोल के चला जाता है। अगर बात करें मोहल्लों वालों के सामने भी मेरे जो मतलब जैसे चाचा ताऊ होते हैं वो मेरी इंसल्ट करते हुए नजर आते हैं। यार दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया है। और कभी एक पहले गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, फिर बाद में दोस्त बन गई, वो भी आज के डेट में मेरे कोई भी मेल का या मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है। तो सर अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरी इज्जत जो है इतनी नीचे आ गई है कि मेरी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट मेरी नजरों में आज की डेट में नहीं टिक पा रही है। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? यार अगर आप लोग जो भी ये चार पांच आदमी आप लोगों ने अपने आसपास में गिनवाए हैं, अगर इन चार पांच आदमी को आप लोग कुछ दिनों के लिए इग्नोर कर दें कि ये चार पांच आदमी मेरी जिंदगी में ही नहीं है। आप लोग ये सोचिए कि अगर आज के डेट में अपनी कंट्री की पॉपुलेशन देखिए, अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से जो विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कंट्री है, अगर चार पांच आदमी जो ऐसे हैं जो कि आप लोगों से चिढ़ रहे हैं और वो आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यार आप लोगों की सेहत पर इसका कोई इंपैक्ट पड़ना चाहिए। मतलब पूरा दुनिया है जो एक तरीके से आप लोग, वो भी आप लोगों को नहीं जानते हैं या फिर कोई भी इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जो आसपास में लोग रहते हैं, चार पांच आदमी अगर फ्रस्ट्रेट हो गए तो उससे आपकी सेहत पे क्यों इंपैक्ट पड़ना चाहिए? अगर वो नहीं है तो वो अपनी एनर्जी खुद की वेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में नेगेटिव थॉट उनके माइंड में है तो गलती उनको फील करनी चाहिए, आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? आपको तो बस एक ही काम होना चाहिए जो 110% जो आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा, और वो है आप लोगों के एग्जाम पर फोकस, आप लोगों का जो भी काम करते हैं उसके ऊपर फोकस। अगर आप लोग इन सब चीजों को छोड़कर अपनी जितनी एनर्जी इस चीज में लगा रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है सोचती है, यार वो उनका खुद का परसेप्शन, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। आप अपने काम पर फोकस कीजिए, लोगों के परसेप्शन एक मिनट में चेंज हो जाते हैं। जिस दिन एग्जाम निकलेगा ना, सबसे पहले उन्हीं के मैसेज आएंगे, वही पड़ोसियों को बोलेंगे हाँ ये मेरा दोस्त था, वही बोलेंगे कि हाँ ये मेरे से बातें किया करते थे, ये बोलेंगे हाँ कहीं फोटो भी खिंचाया होगा ना कभी पास्ट में। तो आईएएस ऑफिसर अगर आप लोग बन गए तो सबसे पहले टैग कर फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर जहां भी उनको लगेगा आपके साथ में शेयर किया जाएगा, अपनी जो क्या कहते हैं उसको व्हाट्सएप की डीपी तक लगा के रखेंगे, स्टेटस में लगा के रखेंगे हाँ मेरा दोस्त आईएएस बन गया। तो यार जिंदगी में ना ये सारी चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। अगर ये सारी चीजें अभी सीख लोगे तो वो नहीं कहते कि लंबी रेस का घोड़ा बनोगे, और अगर यही चीज अभी फिलहाल इन चीज को इग्नोर कर और जिंदगी में उसमें घुसते चले जाओगे क्या चल रहा है ऐसी क्यों होगी फलान ढिमकाना, सबसे आसान सा तरीका है कंप्लीटली इग्नोर मारो। इवन मैं तो ये बोलूंगा फोन को साइड में फेंक दो, फोन के बिना ऐसा नहीं कि आप लोगों का काम नहीं चल रहा है, या तो एक डोंगल ले लो या फिर फोन में चलाना है तो बस वाईफाई चलाओ, उसके अलावा और किसी को कुछ नहीं कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कोई नंबर अपना नंबर चेंज करके रखो अपना। तो सारी चीजें आप लोग सोल्यूशन तो निकाल सकते हैं, पर लेकिन रियलिटी पता है क्या है, आप लोगों को भी उसमें घुसने में मजा आता है, ठीक है, आप लोगों को भी उनकी जिंदगी में घुसने में मजा आता है। अगर वो आप लोग जिंदगी में से इस तरीके से ट्रीट करें तो आप ये सोचो ना कि आपको भी उनको तो इसी तरीके से ट्रीट करें, आप लोग ये सोचो कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। अपने माँ बाप के बारे में सोचो जो कभी आपके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते। तो जो इंसान आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो इंसान आप लोगों को चाहते हैं, उनके लिए सोचे ना, आप क्यों उनके बारे में सोच रहे हैं जो आप लोगों को चाहते ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसीलिए इरिटेट करते हैं क्योंकि आप लोग उनको थोड़ दे रहे हैं अपने माइंड में, आप लोग उनके बारे में खुद भी सोच रहे हैं। अरे क्यों सोच रहे हो यार, अपने माइंड में क्यों ऐसी जगह आप लोगों ने इन इंसानों के लिए रख रखी है जो इस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करते हैं, उस जगह को खाली करो, कुछ अच्छी प्रोडक्टिव चीज रखो ना उस जगह के अंदर। ये तो बिल्कुल ऐसे होगा घर के एक कोने में फालतू के सामान ला के रख रखे हैं। अरे आप लोगों को ढंग का सामान रखना चाहिए, आपका घर अच्छे से रखना चाहिए, साफ सुथरा हो, क्यों फालतू के सामान आप लोगों ने डाल रखे हैं। तो इस तरीके से ये चीजें ऐसी हैं कि लाइफ में आप लोग खुद डिसाइड करना पड़ेगा, कोई और आप लोगों को आकर नहीं बताएगा इसके बारे में कि आप लोग अपनी लाइफ को कैसे लीड कर रहे हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जितनी जल्दी लाइफ का पार्ट बना लोगे यार, मैं गारंटी देता हूं उतनी ही जल्दी आप लोग जिंदगी में सक्सेस भी होंगे और आप लोग खुश भी रहेंगे, इरिटेट होना कम कर देंगे। तो ये चीजें हैं, इंप्लीमेंट कीजिए, आई होप कि चीजें समझ में आई होगी जिस डायरेक्शन में मैंने बोली है, कोई दूसरा डायरेक्शन आप लोग नहीं पकड़ोगे, ठीक है। तो ये थी कुछ नन्नी मुन्नी छोटी मोटी प्यारी प्यारी बातें, और आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हो, थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे क्योंकि आज की जो मैगजीन होती है यहाँ पर नैनो मैगजीन, ये संडे वाली होती है। तो संडे में मैंने आप लोगों को बता रखा है इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है सैटरडे के साथ में या फिर मंडे के साथ में, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि वीक में एक दिन ऐसा होता है जिसमें कई सारे बच्चे रिलैक्स करते हैं, उनको लगता है कि आज नहीं पढ़ते हैं, तो ताकि अगर वो इस पर्टिकुलर जो वीडियो को थोड़ा बाद में भी देखें तो उनकी सेहत पर कोई ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि जो क्विज मैं आप लोगों के सैटरडे में डिस्कस करता हूं उनका आंसर मैं आप लोगों को मंडे में देता हूं। तो ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट बनाता हूं कंप्लीटली कि आप लोगों को अगर जब टाइम मिले उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिए, यानी कि यार पीछे का क्विज समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कुछ वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहां पर ये चीजें रहती हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं, लगता है कि आज नहीं देखनी है
कल देखनी है, परसों देखनी है, पर हाँ ये मत करना कि नहीं देखनी है, ठीक है। देखनी जरूरी है क्योंकि देखोगे तो ही आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि डिस्कस किए जाते हैं, अगर छूट जाएगी तो लिंक टूट जाता है, फिर वो सही नहीं रहता है, तो बनाइए इसीलिए जाती है ताकि आप लोग एक कनेक्टिविटी बनाकर रख सकें, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं काफी इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आज है फादर्स डे, ठीक है। तो आज सबसे पहली बात तो ये करनी है कि आप लोगों को अपने जो फादर है उनको कॉल करनी है और हैप्पी फादर्स डे बोलना है। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहाँ पर, ऐसे प्यार तो आप लोग दोनों को करते हो, मम्मी पापा दोनों को इक्वल प्यार करते हो, उसमें तो कोई डिफरेंस की बात नहीं है, पर डरते किससे ज्यादा हो? मम्मी से ज्यादा डरते हो या पापा से ज्यादा डरते हो? मतलब कौन अपने मम्मी के ज्यादा करीब है, कौन पापा के ज्यादा करीब है, ये आप लोग बताइएगा। एक होता है ना कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं, एक बार मैंने बोला था कि पापा से नॉर्मली डर लगता है, ठीक है, तो एक ने बोला कि नहीं आपको पता नहीं है सर मम्मी कितनी पिटाई करती है। तो आप लोग बताइए, आप लोग किससे डर ज्यादा लगता है, मम्मी से ज्यादा डर लगता है, पापा से ज्यादा डर लगता है? तो ये कम से कम इतना जरूर कीजिएगा कि अपने पेरेंट्स से अगर आप लोग बाहर रह रहे हैं, थोड़ा दूर रह रहे हैं, तो बातें जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक मौका होता है थोड़ा सेलिब्रेट करने का, तो सेलिब्रेट आप लोग कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डे, और आज के डेट में तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है डे, इसके पीछे मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बात की जा रही है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है यहां पर ये 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो 20 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, यहां पर ये बात करते हैं बेसिकली कई सारे जो रिफ्यूजी होते हैं। पहले तो शब्द आप लोग समझिए रिफ्यूजी का क्या मतलब होता है। रिफ्यूजी का मतलब होता है जिसको कई तरीके शब्द में आप लोगों ने देखा होगा। एक तो नॉर्मल तरीके से रिफ्यूजी बोल देते हैं, आप लोगों ने क्लाइमेटिक रिफ्यूजी के बारे में बहुत सुना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस एरिया में लोग रहते हैं उस एरिया में कोई दिक्कत आ गई, यानी कि या तो वहां पर लड़ाई हो गई, ठीक है, कोई वॉर हो गई वहां पर, ठीक है। इसी के साथ में हो सकता है कि वहां सूखा पड़ गया, ड्रोथ हो गया वहां पर। आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि वहां पर एक तरीके से बाढ़ आ गई, ठीक है, जैसे कि कई सारे जो आइलैंड है वो डूबते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग वहां से छोड़कर जा रहे हैं। तो इसको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कैटेगरी में आप लोग बोलिएगा। पर लेकिन जैसे कि सीरिया के अंदर वॉर चल रही है या फिर कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर लोगों को लगता है कि वो मरेंगे, ठीक है, तो इसके चलते वो दूसरी कंट्री में जाकर रहने लगते हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो इसके चलते जो लोग एक एरिया को दूसरे एरिया से छोड़कर जाते हैं, तो एक तरीके से वो रिफ्यूजी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में रिफ्यूजी जो है काफी लार्ज स्केल पर बढ़ते जा रहे हैं। कंट्री में एक दूसरे कंट्री के बीच में लड़ाई को लेकर या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर अलग अलग रीजन की वजह से रिफ्यूजी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर दिक्कत पता है कहां से स्टार्ट होती है? दिक्कत यहां से स्टार्ट होती है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन यहां पर रह रहा है और वो छोड़कर अपने एरिया को वो यहां पर आ गया। अब आप लोग ये समझिए, वो जहां से आया है वहां पर उसकी धरती थी, जमीन था, सारी जायदाद थी, सारी चीजें वहां पर थी उसकी, उसको बेच बाच कर यहां पर आया। इस देश की इसके पास में सिटीजनशिप भी थी। किसी देश का सिटीजन होना अपने आप में एक गर्व की बात है, क्योंकि उसकी सारी चीजें आप लोगों को वहां पर मिल जाती है। अगर आप लोग सिटीजन है तो यहां पर प्रॉपर्टी आराम से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी जाकर आप लोग रह सकते हैं। सारे फंडामेंटल राइट आप लोगों के पास में, संविधान आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है, सारे राइट आप लोगों को देता है, ठीक है। इवन आप लोग खुद चूज कर सकते हैं कि कौन हमारी कंट्री में गवर्नमेंट बनाएगा। तो सारे हक जो होते हैं ये सिटीजन को होते हैं। पर लेकिन जहां पर जाकर आप लोग रहते हैं वहां पर नॉर्मली क्या होता है, आप लोग वहां से कहीं और से आए और यहां पर आकर आप लोग रहने लगे, तो ये कोई सा भी हक आप लोगों को वहां पर नहीं मिलता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो। तो इससे दिक्कत क्या होती है, मेनली ऐसी कंट्री कई जगह जहां पर लोग काफी दिक्कत में आते हैं कि उनको इंसानों वाले हक भी नहीं मिल पाते हैं, यानी कि वो जिंदा रहना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो रिफ्यूजी डे है यहां पर ये बात करता है कि आप लोग उनको प्रोटेक्ट कीजिए। तो यहां पर ये इसलिए यहां पर सामने निकल कर आता है। नॉर्मली आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा माइग्रेंट, ठीक है, माइग्रेशन का नाम आप लोगों ने सुना है। माइग्रेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। माइग्रेशन बर्ड का भी सुना होगा कि माइग्रेटरी बर्ड है, चिड़िया माइग्रेट होकर आई है साइबेरिया वाले रीजन से हमारे रीजन में आ गई, ठीक है। तो ये जो माइग्रेट वर्ड होता है ये दो टर्म में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं आप लोग नॉर्मली इमिग्रेशन, आई एम, ठीक है, इसको बोलते हैं आई डबल एम आई जी आर ए टी आई एन, ठीक है। तो आई एम से याद रखिएगा यहां पर, तो ये होता है इमिग्रेशन। तो आई एम, तो एक और एम आ गया, ठीक है, तो इम आई एम इमिग्रेशन, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। एक होता है यहां पर ई एम, ठीक है, यहां पर भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये इमिग्रेशन बोलते हैं इसको, तो इसमें ई एम आता है। तो जो आई एम वाला है और जो ई एम वाला है इसमें डिफरेंस क्या है ये आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग क्या है आज के डेट में अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो वहां पर जाकर आप लोग क्या बोलेंगे, आई इमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो वहां पर जाकर बोलेंगे कि मैं पीछे ये कंट्री छोड़कर आया हूं, यानी कि मैं देश छोड़कर कौन सा आया हूं, मैं यहां पर इंडिया छोड़कर आया हूं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इमिग्रेशन इसको बोलेंगे, ठीक है। पर अगर बात करें यहां पर ये जो हो गया आई एम, ठीक है, जिसमें यहां तो हो गया ई एम, आई एम का मतलब है कि जिसमें आप लोग एंट्री कर रहे हैं कि हाँ कहां पर आए हम लोग, कि आई इमिग्रेटेड टू यहां पर, कि कहां पर, कनाडा या फिर यूएसए, ठीक है।
तो ये टर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आई एम को आप लोग आई एन बोल दीजिएगा, इन, यानी कि आप लोग इन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, तो तब आप लोग ये यूज कीजिएगा। और ई एम तो यहां पर आप लोग यूज कीजिएगा, और ये बच गया तो यहां जहां से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है। कई बार कई सारे के माइंड में कंफ्यूजन रहता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी सेलिब्रेट करने की बात की जाए, जो रिफ्यूजी हैं अराउंड द वर्ल्ड उनको किस तरीके से ऑनर दिया जाए, उनकी रेस्पेक्ट की जाए, तो थीम भी यही रखी गई है। बोला गया टुगेदर वी हील, यानी कि एक तरीके से नहीं कि हील हो रहा है, इलाज हो रहा है, तो इसका इलाज हो रहा है, हील हो रहा है, कोई घाव है वो भर रहे हैं। लर्न एक दूसरे से सीखते हैं, और तभी जाकर हम लोग साइन करते हैं, इनके चमकते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के दुख सुख बांटना, एक दूसरे से सीखना, और तब जाकर अच्छे लेवल पर अपनी जिंदगी को बनाना, साइन करना। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर डे। आई होप कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। आखिर इतने डिटेल में मैंने आप लोगों को क्यों बताया, क्योंकि आज की डेट में कोई तो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी देखने को मिलेगा, कोई नॉर्मल तरीके से रिफ्यूजी आप लोगों को नजर आएगा, तो ये इसके ऊपर इवन एसे भी लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ सकता है। एसे लिखने के लिए आ गया, फिर कोई क्वेश्चन बन गया, इवन आप लोगों से इंटरव्यू में भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या आंसर दोगे आप लोग। तो ये अगर छोटी छोटी बेसिक टर्मिनोलॉजी भी आप लोगों के माइंड में अगर क्लियर नहीं होगी तो आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज आ जाओगे, तो फिर आप लोगों को दिक्कत लगेगी यार ये क्या हो गया। तो इसलिए बेसिक चीजें आप लोगों को बताई ताकि कोई कंफ्यूजन माइंड में न रहे। आइए अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहां पर जानते हैं। यह है इंटरनेशनल न्यूज, अब देखते हैं कि करकर न्यूज, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सकें। तो क्या क्या बात की जा रही है आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर मिशन के बारे में, जिसको बोलते हैं एनविजन मिशन, ठीक है। एनविजन जो मिशन है, यहां पर क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि किसका है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा किस पर्टिकुलर स्पेस एजेंसी या किस कंट्री का है ये मिशन। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये जो मिशन है ये किस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए है, या फिर किस चीज के लिए है ये मिशन। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मिशन है ये है ESA। ESA क्या है यहां पर, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यानी कि जो यूरोप है उसकी स्पेस एजेंसी है यहां पर, ये जिसको ESA के नाम से आप लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखेगा। इवन क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कई बार कि आप लोगों को यहां पर कि कई सारी स्पेस एजेंसी के नाम दे देते हैं और आप लोगों को बोलेंगे कि मैच कर बताओ। तो जैसे मैं आप लोगों से अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या क्या आंसर दोगे, एक एक कर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों से इसी के बारे में पूछ लेते हैं, ये किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है। चलिए मैं नाम लिखूंगा, आप लोग उसके सामने कंट्री का नाम लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो मैं लिखने जा रहा हूं वो है NASA, ठीक है। पहला हो गया ISRO, दूसरा हो गया NASA, ठीक है। तीसरा हो गया यहां पर ये है ROS, ROS, ठीक है, ROS COSMOS, ठीक है, ये बताइएगा, ठीक है। तीन हो गई, चौथा हो गया JAXA, ठीक है। पांचवा हो गया CSA, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के सामने स्पेस एजेंसीज के नाम लिख दिया आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को इन कंट्री के नाम इसके सामने लिखने हैं। तो किस किस कंट्री का है, तो ये मैच करने के लिए पूछ ले जाएगा। तो इसरो किसकी होगी, तो अपनी होगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी प्यारी ये ऑर्गेनाइजेशन है। नासा जो होगी ये USA की, जिसको बोलते हैं नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये USA का हो गया। रोस कोसमोस ये रसिया की स्पेस एजेंसी होगी। JAXA ये जापान की स्पेस एजेंसी होगी। और CSA ये कनाडा की स्पेस एजेंसी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी किसके साथ मिलकर काम कर रही है, ये नासा के साथ मिलकर काम कर रही है, जो कि USA की स्पेस एजेंसी है। इनके द्वारा यहां पर ये जो लॉन्च है बात की जा रही है, जो अभी डिसाइड की जा रही है, तो ये लॉन्च आप लोगों को देखने को मिलेगी नियरली 2030 में। तो एम क्या है, ताकि एटमोस्फेयर समझ सकें कि एटमोस्फेयर कैसा है, किसका, ये बात की जा रही है वीनस के बारे में। और वीनस है कहां पर, अगर आप लोग देखिए तो ऑलरेडी हम लोग कई सारी यहां पर एक्टिविटी देख चुके हैं। किसके लिए, हम लोग ऑलरेडी मार्स के लिए देख चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए मार्स पर तो हमारा खुद का ग्रह एक तरीके से मिशन जा चुके हैं। अब वीनस के बारे में बात की जा रही है, तो वीनस पर कौन कौन से मिशन जाएंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पृथ्वी के लेफ्ट और राइट काम किया जा रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर तो काफी सर्दी थी, क्योंकि काफी ज्यादा दूर थे यहां पर, ये एक तरीके से देखा जाए तो इस साइड में सूरज से डिस्टेंस थी इसकी पर। लेकिन जब यहां पर बात करेंगे तो अब यहां पर गर्मी देखने को मिलेगी, क्योंकि सूरज के पास में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अभी बात की जाए यहां पर, तो एटमॉस्फेयर समझा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा चीजों को ढंग से, तो क्या क्या कंपोजिशन है वो समझी जाएगी। तो एनविजन जो मिशन है यहां पर, ये फॉलो कर रहा है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था, जिसको बोला गया था मिशन, जिसको बोला गया था वीनस एक्सप्रेस। तो वीनस एक्सप्रेस जो है यहां पर 2005 से लेकर 2014 तक का यहां पर यह था, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। रिसर्च की गई थी यहां पर किस तरीके से, यानी एक तरीके से आखिर क्यों मिशन भेजते हैं, आप लोग के माइंड में आ रही है चीजें, आखिर मिशन क्यों भेजे जाते हैं ऐसे। देखिए बेसिक पर्पज यहां पर ही होता है, ताकि उसके बारे में हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें, यानी कोई ऐसा मिशन है ना उसके बारे में हम लोग समझ सकें कि हाँ वहां पर जीवन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमारी कंट्री का भी मिशन है इसके लिए, अगर बात की जाए आप लोगों को, हमारी कंट्री का टारगेट है 2024 में जो हम लोग मिशन भेजने वाले हैं वीनस के लिए, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है सुक्रियान, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है।
YAAN, ठीक है। तो सुक्रियान उसका नाम है जो कि हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर ये मिशन भेजा जाना है। तो सुक्रियान कब का टारगेट है हमारी कंट्री का? 2024 का टारगेट है। किसके लिए है यहां पर ये? तो वीनस के लिए है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बाकी आखिर ये ऐसे स्टेप क्यों उठाए जाते हैं, आखिर क्यों ऐसे मिशन हम लोग लॉन्च करते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो यार देखो, नॉर्मली जो अर्थ लाइक प्लैनेट है जैसे कि वीनस हो गया, ठीक है, तो ये अर्थ के जैसा है, अर्थ के साइज जैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के प्लैनेट के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर पाते हैं तो हम लोग समझ पाएंगे कि हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसे आरंभ हुआ, वहां पर भी क्या कभी जीवन था, तो वो चीजें हम लोग समझ पाएंगे। अगर हम लोग समझ पाए तो हमारी पृथ्वी पर किस तरीके से क्लाइमेट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, क्या क्या चीजें, तो एक मॉडल भी हम लोग तैयार इसका हम लोग कर पाएंगे। नॉर्मली अगर देखा जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे चीजें हुई है वहां पर, तो अपनी अर्थ के लिए भी और आगे चलकर और चीजों के लिए भी स्टडी हम लोग कर सकते हैं। चंद्रयान फर्स्ट मिशन हमारे द्वारा भेजा गया, पर लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड उसका फायदा उठा रहा है जो भी डेटा वहां से इकट्ठा किया गया। तो स्पेस के लिए जो भी मिशन होता है ना नॉर्मली, वो एक कंट्री का नहीं होता है, वो पूरी जो मानव जाति है यहां पर पृथ्वी के ऊपर जो रहती है उसका होता है, वो सबके लिए वो मिशन होता है बेसिकली, ठीक है। साइंटिस्ट जो है यहां पर वो कुछ ना कुछ जो एक तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं यहां पर कि क्या यहां पर लाइफ थी विनस पर या फिर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो इसके बारे में एक आइडिया लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में देखेंगे टेम्परेचर कितना है, किस तरीके से क्या क्या कंडीशन है, तो उसको समझने की कोशिश की जाएगी। यहां पर देखा जाएगा फोस्फीन गैस के बारे में, अगर ये गैस यहां पर पाई जाती है तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रोसीजर है, यानी कि इंसान नहीं है तो कीट पतंगे कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा इसके एटमोस्फियर में, अगर ये जो साइंटिस्ट जैसे डिटेक्ट की गई, तो इसका मतलब यह कि यहां पर डिटेक्ट कर ली गई थी 2020 में। तो अब यहां पर एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहां पर होगा, क्योंकि जब बायोलॉजिकल कोई प्रोसीजर होता है तभी फोस्फीन गैस निकल कर आती है, तो इसके चलते ये भी एक अंदाजा है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि ऐसे ऐसे मिशन ताकि पता चले कि पृथ्वी पर ही जीवन नहीं है ओनली, कोई और ग्रह भी है जहां पर जीवन है। आप लोगों ने मूवी देखी ना कि ऋतिक रोशन वाली, जादू आ जाता है पृथ्वी पर, ठीक है, तो क्या पता कहीं पर इस तरीके से कोई ना कोई चीज हो। नॉर्मली जो लॉन्च किया जाता है तो यहां पर अपनी पृथ्वी से चीजें पहुंचने में लगभग 15 महीने लगते हैं, लगभग इसके बाद में फिर 16 महीने लगते हैं उसके ऑर्बिट में सर्कुलेशन लगाने के लिए उसको, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, यानी कि टोटल मिलाकर यहां पर 31 के करीब महीने लग जाते हैं। तो 12 दुनी 24 12 36, तो लगभग 2.5 साल से ऊपर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और भी यहां पर अगर बात करें, रशिया का मिशन था यहां पर जिसको बोला गया था वेगास इनके द्वारा, जापान का मिशन था जिसको बोला गया था अक्तुची, ठीक है। तो अभी इंडिया का है यहां पर सुक्रियान। मंगल के लिए हमारा जो मिशन था उसका नाम आप लोगों को पता है? देखता हूं किस किस को याद है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओके। ये एक नेशनल न्यूज है और काफी इंपोर्टेंट न्यूज, आप लोग इसको बोल सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को दो पिक्चर दिखाऊं और उसमें आप लोगों से डिफरेंस पूछूं तो आप लोगों को बताना है कि यहां पर कौन जो है वो जल्दी काम करेगा। एक साइड में तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैक्टर है, बहुत बड़ी मशीन है, ये आराम से काम कर रही है, और एक साइड पर यहाँ पर ये बैल है, ये हल को चलाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बैल है और हल को चलाया जा रहा है यहाँ पर एक किसान के द्वारा, एक यहाँ पर ये इंसान काम कर रहा है। तो दोनों में से कौन इफेक्टिव काम करेगा, कौन लंबे समय तक काम करेगा और किसकी साइड से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी, अगर ये आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? देखिए पहले मैं आप लोग कुछ डेटा बताता हूँ, आप लोग सुनकर हैरान होंगे अगर मैं आप लोगों को डेटा बनाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मशीन के बारे में बात करें, यानी कि जोतना खेतों को, उसके बारे में जो खेतों को जोत देता रहता है, जिससे पहले जो कुछ बोया जाता है तो उसको जुताई कहते हैं, ठीक है। तो खेतों को जोतना, मशीन से काटना और फिर उसको मशीन के थ्रू ही सारे चीज करना, तो नॉर्मली सबसे ज्यादा है अगर मैकेनाइजेशन, अगर आप लोग देखेंगे मशीन का यूज कहता है जो एग्रीकल्चर के अंदर, तो है 95% कौन सी कंट्री है, ठीक है, आप लोगों को बताना है। दूसरे नंबर पर एक कंट्री है जिसके यहां पर 75% मैकेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर एक कंट्री है जहां पर लगभग 57% आप लोगों को मैकेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर सबसे टॉप पर कौन है यहां पर, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए के अंदर में हर एक लेवल पर मशीन यूज की जाती है। इसीलिए यूएसए के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो उनको किसान नहीं नॉर्मली, उनको बिजनेस किसान बिजनेसमैन बोला जाता है, क्योंकि वहां पर अपने किसानों के खुद के हेलीकॉप्टर तक हैं, वहां पर वो खेतों में भी अपने खेतों को देखने, क्योंकि वहां पर खेत जो होते हैं वो होते हैं कई कई सौ एकड़ की जमीन होती है उनकी, तो वहां पर सारा काम जो है मशीन के थ्रू किया जाता है। तो इस तरीके से वहां पर एक किसान को बिजनेसमैन की ट्रीटी एक तरीके से उसको वहां पर रखने की बात की जाती है, और इसी तरीके से मैक्सिमम जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट से, तो सब्सिडी भी काफी अच्छी खासी मिलती है। तो इसलिए यूएसए से अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो मार्केट में उसे सस्ता भी बेचेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा काफी अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है, पहली बात। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्राजील के अंदर 75% मैकेनाइजेशन किया जा चुका है, और चाइना के अंदर 57 के करीब मैकेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अपनी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे, हमारी कंट्री में जो मैक्सिमम जो मैकेनाइजेशन है वो अभी हरित क्रांति जब हमारे देश में आई उसके बाद में आप लोग कुछ एरिया बोल सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया,
ये वो राज्य हैं जहां पर हमारी कंट्री में मैकेनाइजेशन है, और वो भी कितना है, वो भी 40 से 45% है ओनली। उस देश की मैं बात कर रहा हूं जहां पर 50 से लेकर 60% जो पॉपुलेशन है आज की डेट में भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पर आप लोगों को मैकेनाइजेशन ये देखने को मिलेगा। और यही रीजन भी है, अगर जहां पर जो मशीन लग जाती है वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक तो इंप्लॉयमेंट घट जाएगा, क्योंकि ये जो काम अगर यहां पर कई सारे किसान मिलकर करेंगे, कई सारे मजदूर मिलकर करेंगे, तो वही काम जो है वो एक मशीन कर कर लेकर चली जाएगी। तो ये यहाँ पर प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक मशीन ने जो है वो कई इंसानों की जो काम कर दिया, तो ये एक आप लोग पॉजिटिव बात बोल सकते हैं कि जल्दी काम हो गया, टाइम काफी कम लगेगा, तो फास्ट काम हो जाएगा, दूसरा जल्दी काम हो जाएगा, एक जो सॉरी फास्ट काम हो जाएगा, दूसरा ये टाइम काफी कम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो इंप्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा, तो उस किसान की जिसका खेत है उसको तो यहाँ पर फायदा इससे कि ज्यादा मजदूर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, पर लेकिन इंप्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्किल्ड लेबर तो हमारी कंट्री में है नहीं कि खेतों में काम नहीं कर रहे तो चलो वो आईटी में जाकर कहीं जॉब कर लेंगे, ठीक है, हम तो इसलिए कर रहे थे यहाँ पर, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनको जो है बेसिकली काम मिलना बंद हो जाता है, ये दिक्कत देखने को मिलती है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के में काफी ज्यादा न्यूज में रहती है वो क्या है, वो है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी मशीन चलेगी वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली मेनली डीजल से चलती है, ठीक है, तो आगे चलकर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ जाते हैं तो वो सारी चीजें हो जाती हैं, तो एक अलग बात है, पर फिलहाल के टाइम पर ये चीजें इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी जो प्रोसेसर है वो काफी आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम सारे निपट जाएंगे, तो इससे यहां पर फायदा भी होगा। तो हर चीज के फायदे और नुकसान देखे जाते हैं और होते भी हैं। आप लोग अगर जिंदगी में कोई भी चीज ऐसे देखेगी इसका से क्या प्रॉफिट है और इससे क्या जो बेसिकली नेगेटिव चीजें पड़ रही हैं, ठीक है, कि लॉस क्या है, तो यहां पर प्रॉफिट और लॉस अगर दोनों इक्वल है तो उसको करने का कोई नॉर्मली ज्यादा मतलब है नहीं। प्रॉफिट ज्यादा है लॉस कम है तो उसको आप लोग अच्छे से लेकर चल सकते हैं, लॉस ज्यादा है और प्रॉफिट कम है उसको तो फिर करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर और जो वहां पर क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी यहां पर स्कीम के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम है जो कि न्यूज में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया फंड यहां पर वेरियस एक्टिविटी के लिए कि कैसे हम लोग अपनी कंट्री में जो किसान है उन तक मशीनें पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर सब मिशन है किसके अंदर, जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जिसका नाम रखा गया SMAM। तो ये जो स्कीम है SMAM ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है। और नॉर्मली अगर बोला जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये अभी नहीं बहुत पहले लॉन्च की गई थी लगभग 14-15 में। तो ये हम लोग किस तरीके से किसानों को मशीन पहुंचा सकते हैं आज के डेट में भी, अगर आप लोग लोकल एरिया में से बिलोंग करते हैं किसी पर्टिकुलर गांव से, तो कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर एक पर्टिकुलर गांव में एक या दो ट्रैक्टर छोड़ रखे हैं, ताकि आप लोग यहां पर क्या करें उस ट्रैक्टर को आप लोग जब मन करे यूज कर लीजिए, उसमें तेल डालिए और आप लोग उसको यूज कर लीजिए। तो ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कराया गया है कई सारे एरिया में, ठीक है। अगर वहां पर आप लोगों को जो जमीन है उसका लेवल करना है, अगर जमीन ऊपर नीचे हो रखी है उसको जमीन को लेवल में लेकर आप लोग आना है, तो लेवलर भी वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो मशीन है वो भी यहां पर आप लोगों को गांव में देखने को मिल जाती है आज के डेट में। तो ये सारी चीजें हैं। तो एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट है और जो मशीनरी है उनको कैसे प्रोवाइड कराया जाना है, तो इसके चलते गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 40 से 50% के करीब जो स्टेट है नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट को अगर छोड़ जाए, यानी कि हमारी कंट्री में अगर नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य को छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाले जो राज्य हैं, ठीक है, तो ये वाले राज्य को अगर आप लोग छोड़ दें तो यहां पर ये उत्तर पूर्वी राज्य को, तो नॉर्मली देखने को मिलेगा एक मैकेनाइजेशन आप लोगों को हमारी कंट्री में भी देखने को मिल जाता है। लगभग 40 से 50% जो यहां पर सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, ये यहां पर जो सब्सिडी है यहां पर ये, तो यहां पर 40 से 50% जो है स्टेट में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा नॉर्मली। और अगर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बात करें इसके बारे में तो 100% के करीब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोवाइड कराई जाती है। लिमिटेड कितनी है यहां पर, अगर आप लोग 1.25 लाख पर बेनिफिशियरी यहां पर देखने को मिल जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि आप लोग बहुत कुछ खरीदना स्टार्ट कर दें, पर हाँ बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश यहां पर की जाती है। एग्रीकल्चर के बारे में अगर आप लोग देखें, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर मिनिस्टर आज के डेट में नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, यहां पर हमारी कंट्री में कई सारे और भी प्रोविजन है, तो मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप भी है। मान लीजिए आज की डेट में किसी पर्टिकुलर गांव में दो ट्रैक्टर छोड़ दिए और उस गांव में जो जमीन है लोगों के पास में हल है, नॉर्मली बैल यूज करते थे, पर लेकिन अब क्या उनके पास में ऑप्शन है कि इसमें आप लोगों को तेल डलवाना है और उसको आप लोगों को यूज करना है, किराया भी नहीं देना है क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से यहां पर ही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चलाना आता है तो आप लोग किसी को हायर भी कर सकते हैं चलाने के लिए, अगर चलाना नहीं आता है तो इस तरीके से कस्टम हायरिंग सेंटर यहां पर बनाए गए हैं, ताकि फार्म जो मशीनरी है, क्योंकि सबके घर में तो हम लोग ट्रैक्टर खड़ा नहीं कर सकते, पर जिनके पास में यहां पर दो चार के पास में छोड़ दें तो उसको कई सारे किसान यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो हायरिंग सर्विस की बात की जाती है ताकि उनके लोकल एरिया में ही अवेलेबल रहे और उसको हायर कर सकें और उसको यूज कर सकें। पर फिर भी देखा जाए इसका ज्यादा प्रोडक्टिव आउटपुट देखने को मिला नहीं। जैसे कि मैं अपने वाले गांव में बताऊं अगर, तो मेरे गांव में भी मैंने ये देखी चीजें कि हाँ मेरे पड़ोस में ही था यहाँ पर एक, पर लेकिन रियलिटी ये रहती है कि गांव वालों को पता नहीं रहता है ऐसी कोई सर्विस है। उसमें क्या करता है, वो अकेला ही लगा रहता है, अपना एंजॉय करता रहता है, जिसको वो दे दिया जाता है और बाकी को पता ही नहीं रहता है, दो चार को पता रहता है, दो चारों ने मिलकर काम कर लिया। तो पूरे गांव में उसका एक तो अनाउंसमेंट होना चाहिए, प्रधान को इसके बारे में बेसिकली अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ऐसा कुछ है, ताकि चीजें अच्छे लेवल पर पहुंच सके। तो अवेयरनेस की कमी तो हर जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर जो फार्म मैकेनाइजेशन है, यहाँ पर ये स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर जिनके पास में काफी कम जमीन है उनको भी कैसे दी जाए, तो उनको पहुंच नहीं पाती है क्योंकि बड़े बड़े जो साहूकार हैं वही यहाँ पर उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे और दूसरे को यहाँ पर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्टी भी हो जाता है, जिसका छोटे छोटे पता चला छोटा सा खेत है, ठीक है, उसमें क्या ट्रैक्टर लगाएगा इंसान। तो छोटे छोटे खेत आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वो भी दिक्कत देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर कई सारी चीजें छोटी छोटी आप लोगों को जिसमें दिक्कत देखने को मिल जाती है। ऑब्जेक्टिव तो यही था कि प्रमोट किया जैसे कि कस्टम हायरिंग, कि आप लोग आज के कोई पर्टिकुलर एक हब बना दिया और वहां से जाके आप लोग इनको चीजों को हायर कर लीजिए, जो भी इक्विपमेंट आप लोगों को यहां पर यूज करने हैं, ठीक है। कोई इंडिविजुअल यहां पर खरीद ले, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करा दे। जैसे कि अगर गेहूं कटाई में आप लोगों ने देखा होगा, जब जो गेहूं को और भूसे को अलग किया जाता है, तो सबके घर में वो मशीन नहीं है, हमारी साइड में उसको बेसिकली बोलते हैं कि लान काटने की मशीन, यानी कि एक तरीके से गेहूं काटने की मशीन जो होती है जिसमें से भूसा और अनाज अलग किया जाता है। तो उसके चक्कर में अगर आप लोग देखिएगा तो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि गांव में सबके पास में नहीं है, कुछ कुछ के पास में, तो सब हायर कर लेते हैं, उसके बदले फिर उनको पैसे देने हैं, पैसे अनाज देना है, अनाज भूसा देना है भूसा, तो वो सारी चीजें होती है। तो इंडिविजुअल के बस की तो बात नहीं है कि हर एक इंसान के पास में गांव में इस तरीके से सारी इंस्ट्रूमेंट रहे, तो इस तरीके से भी चीज देखने को मिलती है। पर लेकिन अवेयरनेस जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए। और इसी के बेस पे यहां पर जो बात की जाती है इंश्योर करना कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह सर्टिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चर जो मशीनरी है उनके लिए, तो कंट्री में इनकी सपोर्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी जाकर ये चीजें जो है वो आप लोगों को अच्छे लेवल पर बढ़ती नजर आएगी। तो गवर्नमेंट काम तो कर रही है, पर लेकिन गांव में कितना पहुंच रहा है और इंप्लीमेंट कितना हो रहा है, वो वाली चीजें थोड़ी देखने वाली है, ठीक है। तो बेसिक था, पर लेकिन एग्रीकल्चर के बारे में था और आप लोगों को बताया फार्मर का प्रोटेस्ट और सारी चीजें। तो क्वेश्चन अगर लिखने के लिए भी आ जाएगा तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कंट्री के अंदर में किस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो कुछ अच्छे पॉइंट आप लोगों के पास में होंगे, ठीक है। बड़ी ही शानदार, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, सुनकर आप लोगों को काफी मजा आएगा क्योंकि मुझे पढ़कर इसको काफी मजा आया। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आखिर ये मॉडल है क्या और किस तरीके से न्यूज में है। नॉर्मली इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले रखा है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने मोबाइल ले लिया, ठीक है। तो मोबाइल लिया, नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग इसे मोबाइल लेते हैं या फिर आप लोग लैपटॉप लेते हैं, तो आप लोग उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं अगर वो महंगा है। तो आप लोगों ने मान लीजिए पूरी साल के आप लोगों ने क्या किया, उसके 20,000 रुपये दे दिए कि हाँ मेरा जो लैपटॉप है वो 3,00,000 रुपये का है, तो 20,000 रुपये यहाँ पर मैं दे देता हूँ, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो मेरा इंश्योरेंस हो गया इसका एक साल का। यानी कि 3,00,000 के लैपटॉप का 20,000 रुपये देकर एक साल का इंश्योरेंस हो गया। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो यहां पर अगर वो ठीक होना होगा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका पैसा पे करेगी। पर सोचिए कि एक साल चला गया, आप लोगों के लैपटॉप में कुछ भी गड़बड़ी नहीं आई, तो क्या होगा, 20,000 रुपये आपके गए पूरे, 20,000 रुपये किसके पास में चले गए, ये पूरे उस कंपनी के पास में चले गए जो कि यहां पर बेसिकली आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रही थी। क्योंकि हो सकता है कि लैपटॉप में आप लोगों के यहां पर एक 20,000 की जगह आप लोग यहां पर 40,000 रुपये लग जाते हैं या फिर 50,000 रुपये लग जाते हैं, तो 20,000 आपके कटते, बाकी की कंपनी को पे करने पड़ते, तो इस तरीके से रहता है। तो होता क्या है, बहुत सारे लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है तो वो इनका प्रॉफिट हो जाता है, और जिन लोगों को नुकसान होता है तो उनको ये पे कर देते हैं, तो उसमें से जो भी बचता है उसकी कंपनी का वो प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। यानी कि कई सारे लैपटॉप खराब हुए, कई सारे नहीं हुए, पर लेकिन फिर भी कुल मिला के इतना रहता है कि कुछ पैसे इनके पास में अच्छे खासे बच जाते हैं, ज्यादातर खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर यहां पर काम करती है कंपनी। अब यही कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर में लेकर आना है, एग्रीकल्चर में कैसे लेकर आना है समझिए। हमारी कंट्री में एक स्कीम है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है हमारी कंट्री में किसानों की हेल्प करने के लिए ये बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई थी, ताकि हमारी कंट्री के जो किसान हैं उनको फायदा हो सके। जहां जहां पर भी फसल की जो बर्बादी होती है उस फसल की बर्बादी को रोका जा सके, तो उसके लिए ये स्कीम हमारी कंट्री में चलाई गई थी। तो यहां पर कई सारे रेट भी रखे गए थे, जैसे कि 2% पे करना है आप लोगों को खरीफ क्रॉप के लिए, रबी क्रॉप के लिए 1.5% पे करना है, और अगर हॉर्टिकल्चर है जैसे कि फूल बागवानी बाग वगैरह ये सारी चीजें, तो 5% पे करना है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये है कि अगर किसानों के ऊपर जो बर्डन आ रहा है, किसान अपना बर्डन पे कर देते हैं, पर लेकिन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जिसके बारे में अगर बात की जाए महाराष्ट्र के अंदर, जिसका नाम है बीड, बीड डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वो कैसा डिस्ट्रिक्ट है,
वो एक ड्रोथ प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वहां पर सूखा पड़ना ही पड़ना है। अगर वहां पर बारिश नहीं आएगी तो नॉर्मली वहां पर एक रेनफेड एरिया बोलते हैं नॉर्मली, कि वहां पर बारिश भी ज्यादा नहीं होती है और हर साल सूखा पड़ना ही पड़ना है। वहां पर किसानों ने खेती लगा ली, खेती लगाने के बाद में इंश्योरेंस करा लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी को पता है, प्राइवेट कंपनी है, उनको पता है सबको कि भाई साहब यहां पर जो है सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा और यहां पर उनको पैसा पे करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आगे निकल कर नहीं आती, क्योंकि उनको पता है कि पूरा का पूरा कंपनसेशन पे करना पड़ेगा और हमको नुकसान सारा यहां पर झेलना पड़ेगा। तो इसको टैकल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहां पर ऐसे काम कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। तो उनके द्वारा बड़ा ही शानदार दिमाग लगाया गया और एक मॉडल निकालकर लेकर आ गया, जिसको बोला गया 80:110 मॉडल। मतलब क्या इसका समझिए थोड़ा सा। यहां पर इनके द्वारा यह बोला गया, मान लीजिए आप लोगों ने अपना पूरा कंपनसेशन पे कर दिया, यानी किसानों ने अपना पूरा कंपनसेशन पे कर दिया, किसानों ने अपना पूरा प्रीमियम पे किया यहां पर, ये ठीक है कि हाँ कि हम लोगों को यहां पर 100 रुपए देने थे, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, हमारी हमारी जो बेसिकली फसल है उसको इंश्योर करने के लिए। तो किसानों ने अपना पे कर दिया, पर लेकिन उस किसान ने जिसने 100 रुपए पे किए उसको फसल बेकार होने लगी, तो कंपनी को उसको लगभग 110 रुपए पे करने पड़ गए, ठीक है, यानी कि ऊपर से उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया अपने पास से कंपनी को। तो इस तरीके से यहां पर यह बोला गया कि अगर कहीं पर इस तरीके से जो खेती बर्बाद हो रही है और वहां पर कंपनी को अगर यहां पर 110% तक का यहां पर अगर उनको ग्रोस प्रीमियम है उसको यहां पर उनको पे करना पड़ रहा है इस तरीके से इंश्योरर को, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसके अलावा अगर इससे ऊपर ये बढ़ता है, यानी कि इससे ऊपर अगर जाता है यहां पर ये लॉस, तो यहां पर फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको पे करेगी। यानी कि अगर 110% से ज्यादा नुकसान हो रखा है खेतों का, तो यहां पर फिर स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, उस कंपनी को पे नहीं करना पड़ेगा। तो कंपनी खुश होगी कि बड़ा अच्छा बात है यार, हमको इससे ज्यादा पे ही नहीं करना है। पर लेकिन अब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास में पैसा कहां से आएगा, तो दिमाग लगाना पड़ा उनको। तो फिर क्या किया कि अब यहां पर दूसरा मॉडल आ गया। ये तो एक मॉडल हो गया कि अगर नुकसान हो गया तो यहां पर 110 से ज्यादा फिर यहां पर गवर्नमेंट पे करेगी। पर लेकिन सोचिए अगर किसी ने अपने 100 रुपए पे किए प्रीमियम और उस खेत का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, उस खेत में कोई नुकसान नहीं हुआ पूरे साल में, वो खेत बच गया, तो वो बचा हुआ मनी जो है उसमें से 100 रुपए में से 20 रुपए कंपनी रख लेगी, बाकी का 80 रुपए जो है वो पे कर देगी स्टेट गवर्नमेंट को। समझ रहे हैं आप लोग? आया समझ में? यानी कि जहां नुकसान हो गया है वहां तुमको 110 से ज्यादा नुकसान नहीं देना है, पर लेकिन जहां फायदा हो गया है वहां पर 20% ही तुम्हारा फायदा होगा, बाकी का 80% जो यहां पर आप लोगों ने इकट्ठा किया है पैसा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा। तो अभी यहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है प्राइम मिनिस्टर मॉडल साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, कि ये जो बीड मॉडल इंप्लीमेंट किया गया क्रॉप इंश्योरेंस का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, ये पूरे राज्य में इंप्लीमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा है, काफी लार्ज स्केल पर यहां पर इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही काफी ज्यादा फायदा हो गया, लगभग मुझे लगता है 600-700 करोड़ का फायदा हुआ। तो राज्य गवर्नमेंट को लग रहा है कि सब जगह से फायदा होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी का जो शेयर है वो कम हो जाता है यहां पर, तो इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान भी कम होता है, शेयर भी कम होता है। उन्हें कहते हैं कि बड़ा प्रॉफिट अगर आप लोगों को चाहिए तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप लोगों को छोटा प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो पैसा है यहां पर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाने लगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में प्रीमियम इकट्ठा होने लगा। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो मॉडल है ये पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाए। और ये कैसी स्कीम है यहां पर, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी यहां पर, तो एक ऐसी स्कीम हमारी कंट्री में लॉन्च की गई, तो उस मॉडल को पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट करने की बात की गई। पर लेकिन पंगा यहां पर ही आता है, अगर मान लीजिए पूरी कंट्री में इस मॉडल को इंप्लीमेंट करने की बात की गई, ठीक है भाई साहब सारा मॉडल आएगा, तो कंपनी जो है उनको लॉस कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, पर लेकिन जो पैसा आप लोगों के पास में इकट्ठा होकर आ रहा है इस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में भी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। बस हम पैसा आ रहा है पैसा रख लिया उठाकर, क्या उस पैसे को फिर से फसल बीमा योजना में आप लोग लगाएंगे ताकि किसानों को और फायदा देखने को मिल सके, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव आप लोग यहां पर लेकर चल रहे हैं, तो इसको कैसे करना है? और पता चला और ज्यादा नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है, गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा है पैसों का, तो वो सारी चीजें, यानी कि पूरा एक प्रॉपर खाका क्या होना चाहिए उसके बारे में भी यहां पर बात नहीं की जा रही है, बस अभी इसी को लेकर चला जा रहा है। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया था हमारी कंट्री में, ताकि इसको चलते किसानों को जो नुकसान हो रहा है उनको फायदा हो सके। दूसरा ये, चलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में तो पैसा आ गया 80% जो भी रिमेनिंग है, या फिर नुकसान हुआ तो किसानों के पास में पहुंच गया यहां पर पैसा, पर लेकिन ये जो पैसा है इसका किसानों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, जो 80% रिटर्न गया है यहां पर, ये किसानों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर ये ऐसा करने लगे यहां पर कि जो 80% है इसमें से 50% तो किसानों को दे दिया जाए और बाकी का जो बचा हुआ यहां पर 30% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रख, वो स्टेट गवर्नमेंट रख ले, 20% जो है वो यहां पर कंपनी के पास में चला जाए। यानी कि जो आप लोगों को पता है ना कि हमारे संविधान में 7वें शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो स्टेट लिस्ट के अंदर रखा हुआ है एग्रीकल्चर को, तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, तो एक कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो इस स्कीम को लेकर कई सारी ऐसी बातें यहां पर भी फिलहाल की जा रही है, ठीक है।
तो कैसा लगा ये मॉडल आप लोग बताइए। ये सारे जो दिमाग होते हैं ये एक आईएएस ऑफिसर लगाते हैं बैठकर, तो यहां पर नॉर्मली आप लोग ये चीजें देख सकते हैं। हेल्थ के बारे में बात करते हैं और ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज आप लोग को देखने को मिलेगी। आप लोगों से पूछा जाए जैसे कि एचआईवी या एड्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी बीमारी है और कौन सा वायरस है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। एचआईवी और एड्स में से कौन सा बीमारी का नाम है और कौन सा वायरस का नाम है, तो ये आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन में डालता होगा, पहले मुझे भी डालता था एक दिन, एक्चुअली एक बच्चे के द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछा गया, तब से मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा। एक बच्चे के द्वारा पूछा गया सर कंफ्यूजन हो जाता है कि एचआईवी बीमारी का नाम है या वायरस बीमारी की जो है एड्स बीमारी का नाम है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को। इसके चलते आप लोग याद रखेगा कि जो वी है बाद में, तो यहां पर वी का मतलब हो गया वायरस, ठीक है, तो एचआईवी तो यहां पर जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन यानी कि जो इंसान है उसके इम्यून सिस्टम जो बीमारी से लड़ता है ना सिस्टम, उसके ऊपर ये डायरेक्ट अटैक करता है, उसको कमजोर कर देता है, और जब वो कमजोर हो जाता है तो उस इंसान को बीमारी हो जाती है जिसको एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि वायरस ने अपना काम किया फिर एड्स बीमारी होगी, ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो एड्स एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आप लोगों की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है अगर ये बीमारी हो जाती है। अभी यहां पर ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एचआईवी एड्स जो है अभी इसलिए न्यूज में है। हमारी कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, वो है हर्षवर्धन साहब। तो 75th सेशन अभी यूएन जनरल असेंबली का देखने को मिला, तो उसमें यहां पर एचआईवी और एड्स प्रिवेंशन के बारे में बात की गई कि इसकी रोकथाम के बारे में, तो 75th ये बाई 260 ये जो बेसिकली रिजोल्यूशन था, देखिए रिजोल्यूशन रहते हैं यहां पर अलग अलग कि हाँ ये पर्टिकुलर मुद्दा इसके लिए है इसके लिए, तो उसमें बात की गई कि डिक्लेरेशन जो कमिटमेंट है कि कैसे एड्स को कंट्रोल करना है उसके ऊपर फोकस देना है, और पॉलिटिकल डिक्लेरेशन यानी कि एक पॉलिटिकल इच्छा भी और पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए कि हाँ ये है, ठीक है, तो यहां पर कि हाँ पॉजिटिव है क्या अच्छी चल रही है उसको कैसे रोकना है। तो अगर बात करें एचआईवी को लेकर एक प्रिवेंशन मॉडल जिसके चलते सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग की बात की जाती है, देखिए आज की डेट में भी एड्स को लेकर कई सारी ऐसी भ्रांतियां हैं कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान को छूने से फैल जाती है, तो ऐसी ऐसी एड्स वाले इंसान के साथ में हम लोग को बात भी नहीं करनी चाहिए, तो ऐसी ऐसी मतलब कई सारी भ्रांति आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट जो है यहां पर एक तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग का आता है जिसमें टारगेटेड जो यहां पर एक तरीके से इंटरवीन किया जाता है प्रोग्राम के द्वारा ताकि सपोर्ट मिल सके सिविल सोसाइटी से, यानी कि सोसाइटी में जहां पर लोग रहते हैं जिनको एड्स की बीमारी हो चुकी है तो वहां पर उनके बिहेवियर लोगों के लिए जो उनका बिहेवियर है मतलब जिसको एड्स हो चुका है काफी गलत तरीके से सोसाइटी में उनको देखा जाता है कि एक तो बीमारी वैसे ही जूझ रही है वे बीमारी से, ऊपर से जो सोसाइटी के लोग हैं वो उनको मार देते हैं, तो बिहेवियर चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन यहां पर बेसिकली उसके बारे में बात की जाती है, सर्विस डिलीवरी भी नहीं करने कोई उनको जाता है तो वो होनी चाहिए, काउंसलिंग और जो टेस्टिंग है प्रॉपर वे में चलती रहनी चाहिए, और कोई भी उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका लीकेज नहीं होना चाहिए, कोई भी केयर जो है वो प्रॉपर वे में मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी को अगर एड्स की बीमारी है और पता चल गया सोसाइटी में कि इसको एड्स है उससे कोई बात भी नहीं करेगा, उससे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देंगे तो वो वैसे ही मर जाएगा, एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जहां पर उसको कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है, तो ये मुद्दा हम लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये वाली स्लाइड मुझे पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट लगी यहां पर जब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। अगर बात की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड एचआईवी रेस्पॉन्स किस किस गोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इवन अगर बीमारी के बारे में लिखने के लिए भी आप लोगों को आ जाता है ना तो ये भी आप लोग वहां पर याद रख सकते हैं, यानी कि नॉर्मली अगर बीमारी के बारे में बात करें तो कौन से में और बाकी का क्या है तो उसके बारे में बताऊंगा। पहले हमारी कंट्री में एचआईवी एंड एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट है 2017 का, ये प्रोवाइड करता है फ्री एंटी रिट्रोवल जो ट्रीटमेंट है यहां पर लगभग 1.4 मिलियन लोगों को, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो 14 लाख लोग जो है हमारी कंट्री में वो यहां पर ट्रीटमेंट लेते हैं इसके चलते, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992-99 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लाया गया। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या बातें करते हैं, तो तीसरा गोल क्या है यहां पर, वो हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करते हैं, यानी कि इंसान की हेल्थ सही रहनी चाहिए, तो एड्स के बारे में बातें होगी यहां पर जब हेल्थ आ गया। दूसरा जो नंबर है यहां पर ये बात की जा रही है इसी के अंदर में यहां पर, तो ये पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करता है और 2030 तक का इसको कंट्रोल करना है एड्स की बीमारी को, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है 2030 तक का एड्स को खत्म करो। दूसरा बात करते हैं यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, ये क्या करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो सेक्सुअल और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में एजुकेशन लोगों के पास में होना चाहिए, जान है तो जहान है, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ में अगर फिजिकल रिलेशन बनाने तो एक तरीके से उन्हें प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए इंसान को, पता चला उसको एड्स की बीमारी है वो आप लोगों को भी लग जाए तो फिर क्या दिक्कत होगी, तो वही है कि इंसान को थोड़ा सा अगर
प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर होती है। कई बार ऐसी बीमारी होती है जो क्योर नहीं हो पाता है, तो ये जरूरी है कि एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कराया जाए कि अपनी सेहत का ध्यान रखना जाने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के यहाँ पर ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर जेंडर के रिलेटेड चीजें देखने को मिले तो सोसाइटी में लड़के और लड़की को लेकर काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करना है। तो इसमें बात करेंगे लड़की को हो गया एड्स या फिर लड़के को हो गया तो कैसे ट्रीट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 10 है, 5 में बात कर दी मैंने जेंडर इक्वलिटी के बारे में, 10 क्या बात करते हैं, रिक्वायर्ड इनइक्वलिटी। तो एक तरीके से इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या बोला जा रहा है यहां पर कि रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस करना है, ठीक है। यहां पर तो जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करें, रिड्यूस इनइक्वलिटी, इक्वलिटी को बढ़ाना है और इनइक्वलिटी को भी खत्म करना है, ठीक है, तो इस तरीके समझिएगा। तो यहां पर जो बात करें, यहां पर ये रिड्यूस इनइक्वलिटी, तो इनइक्वलिटी को कम करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी यहां पर इसका शिकार हो चुके हैं तो कैसे उनके साथ में बातें करनी है, कैसे रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 क्या बोलता है, 16 ये बोलता है कि जस्टिस के बारे में बात करता है और इस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए ताकि शांति बनाकर रखी जा सके, उनके बारे में हर एक इंसान जो है वो नेगेटिव ना सोचे। तो ये यहां पर 16 जो गोल है ये काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहां पर सारे गोल बता दिए, तो माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पर्सनली मुझे लगा कि एक बीमारी को इतने अच्छे से एलिब्रेट कर रखा है, अगर इसके बारे में कुछ लिखने के लिए भी आता है तो एड्स के बारे में नहीं हो गई ओनली ये बीमारी, इसके बारे में आप लोग अगर मान लीजिए कोई भी बीमारी आती है लिखने के लिए, ठीक है, अब उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी उस बीमारी के बारे में, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करेंगे तो उसके बारे में कि हाँ उसको खत्म करना है, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी में आप लोगों को दूसरी बीमारी भी देखने को मिलेगी, ये तो है नहीं, ठीक है। रिड्यूस करना है इनइक्वलिटी में, पीस होना चाहिए, तो ये तो कहीं और भी आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहां पर ये डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा संडे का छोटा सा डिस्कशन, छोटा सा तो नहीं हुआ खैर, अच्छा खासा हो गया, पर मुझे लगता है कि जो टॉपिक पढ़ाए उनमें तो कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है ना, उनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, ठीक है, बाकी तो सब चलता रहेगा, जो पढ़ाया है वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक मिनट के अंदर क्या क्या डिस्कस किया। तो एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी, तो जो सीख दी है उसको याद रखिएगा, अपने फादर से बात करनी है, वर्ल्ड जो रिफ्यूजी डे के बारे में सारी बातें बताई, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने समझे यहां पर डिटेल में वीनस के बारे में जो प्रोजेक्ट है, इसी के साथ में किसानों से रिलेटेड जो यहाँ पर स्कीम है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, मैकेनाइजेशन की बात की जा रही है, तो एग्रीकल्चर के बारे में तो लिखने के लिए आ जाए, कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीड मॉडल कैसा लगा आप लोगों को पर्सनली ये बताइए, और HIV के बारे में हम लोगों ने समझा डिटेल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में। तो ये था आज का हमारा नन्ना मुन्ना प्यारा डिस्कशन, तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाकी लेक्चर को कितने आप लोग यहाँ पर जो रेट देंगे, 10 में से कितना रेट आप लोग देंगे, अगर बोलूं कि 10 में से कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, अगर आप लोग इसको यहां पर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, डिसलाइक का बटन है उसको दबाकर जाना, पर ये जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों गया ताकि इंप्रूव किया जा सके। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और यहां से जाकर आप लोगों को PDF डाउनलोड कर लेना है, बाकी यहां पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।